हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली पराशर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, सबका सपना होता है, हर लेडीज का सपना होता है अच्छे घने काली सिल्की फ्रिज फ्री हेयर। बहुत सारे लेडीज के बाल होते हैं सुंदर और नेचुरली होते हैं, लेकिन अगर आपके बाल हैं फ्रिजी ड्राई सिल्कीनेस नहीं है तो आप टेंशन ना लें। मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाई हूँ जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम को, हेयर प्रॉब्लम को दूर करेगा। ऑल इन वन है ये प्रोडक्ट और इसे मेल और फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी, सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को बता देती हूँ। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी, ये है लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल। ये ऑयल लिखा हुआ है बट ये है सीरम, सीरम प्लस ऑयल है, ऑयल है लेकिन ये सीरम का काम करता है, ये सीरम के जैसे यूज़ किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल, ये फ्रिजीनेस को बहुत हद तक कम करता है। मैं इसे 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों पे बहुत अच्छे तरीके से सूट हुआ है। ये ऑल हेयर टाइप्स को सूट करता है, ऐसा नहीं ड्राई हेयर फ्रिजी हेयर, ये आपका बालों का जो भी टेक्स्चर हो, ऑयली हो ड्राई हो या कॉम्बिनेशन हेयर्स हो, किस कोई भी हो, ये सबको सूट करता है और इसे मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट मंगाती हैं आपके पास में है तो मुझे कमेंट जरूर करना, और अगर आप किसी और प्रोडक्ट पर वीडियो चाहती हैं तो मुझे वो भी बताना ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ गाइज, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैं आगे और भी पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगी आप हेयर्स के बारे में, तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना और आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँगी और आपको हेयर केयर के बारे में भी बताऊँगी। तो ऐसे शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो गाइज, मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ, ये है लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल। ये बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इसकी फ्रेग्रेंस है ना गाइस, अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, इतनी अच्छी और इतनी भीनी भीनी खुशबू आती है इसके इसमें से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्रोडक्ट, लगाने के बाद में मज़ा ही आ जाता है। और ये 30 ml का पैक है और इसका प्राइस है 299, और इसमें यहाँ पे ये इसकी डेट है, MFD डेट है 120 और इसकी एक्सपायरी डेट है 124, तो 3 ईयर्स का इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाएगी। और इसमें इसके वर्सेटाइल यूज़ भी हैं। सबसे पहला इसका यूज़ है बिफोर शैम्पू, आप अगर आप नरिशिंग हेयर चाहते हैं तो आप इसे शैम्पू से पहले यूज़ करें, और इसका सेकेंड यूज़ है बिफोर ड्राइंग, और आप अपने बालों को हेयर ड्राई करना चाहते हैं, आपके बाल गीले बालों पे आप पहले इसे लगाएं उसके बाद में अपने बालों को ड्राई करें, जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि हम सभी को पता होता है बालों को हीट ज़्यादा देते हैं तो बाल डैमेज हो जाते हैं, चाहे वो आयरिंग हो या फिर ड्राइंग हो। और उसके बाद में है इसका थर्ड है बिफोर स्टाइलिंग, बालों में कोई भी हेयर स्टाइल करने से पहले आप इसे लगाएंगे तो बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और उलझेंगे नहीं बालों को स्टाइल करते वक्त। अगर आप इसे डेली में यूज़ करती हैं तो आपके बालों को अच्छा टेक्सचर देता है, और अगर आप इसे नाइट में लगा के सोती हैं अपने बालों को तो मॉर्निंग में आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी लगेंगे। अब मैं इसकी इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ, असली में प्रोडक्ट है क्या वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये 30 ml की बोतल है, ये ग्लास बोतल है, ऐसे मैं इसको आपके ड्रॉप भी दिखा देती हूँ डाल के हाथों पर। ये देखिए सीरम है, ये ऑयल बोलते हैं, आप इसे ऑयल ना समझें, ये सीरम ही है। इसमें बस इसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल, बाकी तो ये सीरम है। और ये देखिए हाथों पे देखो कितना शाइन कर रहा है, इसी तरह से ये आपके बालों को भी शाइन प्रोवाइड करता है। मैं आपको इसको लगाने का, अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। आप किसी भी तरीके से करें, चाहे ड्राई हेयर पर करें चाहे वेट हेयर पर करें, अपनी हथेली पर 1-2-3 कुछ 5 से 6 बूंदे लेनी है, ये इतना दिख रहा होगा, बस इतने अमाउंट में लेना है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग और बालों की थिकनेस के अकॉर्डिंग ले लेना। मेरे बालों में इतना काफ़ी रहेगा, अगर आपके बाल लॉन्ग हैं थिक हैं तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाथों पे अच्छे से करना है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है वो हथेली की गर्मी से और अच्छे से एक्टिव होता है। उसके बाद में बालों पर इस तरह से लगा लें, इसकी खुशबू बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जो अपने बालों के टिप्स हैं स्पेशली उन पर ज़रूर लगाएं। देखिए आपको मेरे बालों में शाइनिंग नज़र आने लगी है। ये हमारे जो टिप्स होते हैं इन पर अच्छे से लगा लें, क्योंकि बाल हमारे फ्रिजी यहीं से होते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे से लगाने की ज़रूरत होती है। ये देखिए
बाल कितने अच्छे से मैनेजेबल हो गए। मैं आपको बता दूँ, इसको मैंने नायका से मंगाया था और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे आँख बंद करके ले सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात आपको और बता दे रही हूँ कि आप ज़्यादा अपने बालों के लिए कुछ कर नहीं सकती हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप दो स्टेप अपने बालों के लिए ज़रूर फॉलो करें। एक तो शैम्पू के बाद में आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें और दूसरा सीरम का यूज़ ज़रूर करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ये सीरम यूज़ करो जो आपके पास में अवेलेबल हो, जो पॉकेट फ्रेंडली हो, और आप अगर यूज़ कर आपके पास में हो आप उसे कर लीजिए, लेकिन ये दो स्टेप हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अपने बालों में खुद डिफरेंट महसूस करेंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा होता है बालों की केयर का, सबको ज़रूरत होती है इसकी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर इसे किसी को भी इसकी ज़रूरत हो तो बस मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक।